श्रेयस तलपड़े अपनी फिल्म करतम भुक्तम को प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म 17 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को लेकर चर्चा की। दोनों ने फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम में काम किया था। फिल्म में श्रेयस शाहरुख के दोस्त बने थे। श्रेयस ने बताया कि इंडस्ट्री में नया होने के बाद भी शाहरुख खान उनके साथ फिल्म बिजनेस जैसे विषयों पर बात करते थे, साथ ही वो उनसे सलाह भी लेते थे। उन्होंने ये भी बताया कि शाहरुख खुद के फायदे से पहले दूसरों के फायदे के बारे में सोचते थे। ओम शांति ओम के राइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ था। सिद्धार्थ कनन से बातचीत के दौरान श्रेयस ने शाहरुख के साथ का एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है उनकी ही वेंटी वैन में हम सब खाना खाते थे। वो खुद साथ खाना खाने के लिए बोलते थे। ओम शांति ओम के लिए उन्हें 3 प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए अप्रोच किया था। ये सब भी वो हमसे डिस्कस करते थे। साथ ही वो कहते थे कि यार इस प्रोडक्शन हाउस ने इतने रुपए ऑफर किए हैं। अगले दिन उन्होंने दूसरे प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। इस वक्त मुझे लगा कि यार तुम शाहरुख खान हो, मैं क्या बताऊं। बातचीत में श्रेयस ने आगे बताया कि मैंने कहा शाहरुख जो आपको ज़्यादा पैसे दे उसी के साथ डील करना चाहिए, लेकिन शाहरुख ने उस प्रोडक्शन हाउस को चुना जो कम पैसे या ठीक ठाक पैसे दे रहा था, मतलब ना ज़्यादा कम। फिर मैंने उनसे पूछा कि शाहरुख आपने ज़्यादा ऑफर वाले को क्यों नहीं चुना। इस पर शाहरुख ने कहा कि कल अगर डिस्ट्रीब्यूटर मेरी फिल्म से पैसे नहीं कमाएगा तो वो नुकसान में जाएगा। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमाए, इसीलिए मैंने इस ऑफर को चुना। डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा कमाना ज़रूरी है, अगर सब कुछ मैं ही ले लूँगा तो वो क्या काम आएगा, फिर उसके लिए नुकसान का बड़ा रिस्क होगा। शाहरुख के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर श्रेयस ने कहा कि मैंने शाहरुख खान से बहुत कुछ सीखा। जब मैं उनसे पहली बार मिला उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार हैं, वो हमेशा दोस्त की तरह मिले। ओम शांति ओम फिल्म में भी वो मेरे दोस्त ही थे, ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे दोस्त ही रहे। कभी भी उन्होंने न्यू कमर जैसा फील नहीं कराया, वो हमेशा दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। ओम शांति ओम साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फराह खान ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में शाहरुख के अपोजिट दीपिका पादुकोण थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ओम शांति ओम का बजट 35 करोड़ रुपए का था। उसने दुनिया भर में 149 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शशांक ने। सिनेमा से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ सुप्रिया, शुक्रिया।